11th ऑफ फेब्रुवरी को होगा नेक्स्ट HCS का एग्जाम, जिसकी नोटिफिकेशन बहुत जल्द ही आ जाएगी। जो डेट्स हैं वो आउट हो चुकी हैं फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। मेंस होगा आपका 30 मार्च एंड 31 मार्च को। लेकिन क्वेश्चन अब ये है कि हमें इसकी तैयारी करनी कैसे है, क्योंकि बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर फिनोमिना है ये, जहाँ पर बहुत वैकेंसीज को निकाला गया है विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो अब इसकी तैयारी कैसे करनी है, इसकी तैयारी करने के लिए CBL एक नया कोर्स आप लोगों के लिए लेकर आया है, जिसमें आप सभी को पहले से ही ऑलरेडी पता है दैट CBL बहुत ज़्यादा सिलेक्शंस के लिए जाना जाता है। 2021 के अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो 70+ सिलेक्शंस CBL की तरफ से थी, और अगर हम 2022 की बात करें तो अराउंड 20+ सिलेक्शंस CBL की तरफ से थी। अब तैयारी कैसे करनी है ये देखते हैं। देखो, अब देर आर टू काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, एक तो वो जिन्होंने तैयारी बिल्कुल ही शुरू नहीं करी है और उनकी तैयारी के बाद ये पहली बार HCS एग्जाम निकला है। दूसरे वो हैं जो तैयारी तो ऑलरेडी कर चुके हैं, जिन्होंने ये वाला पेपर भी दिया होगा, उससे पहले भी HCS दिया होगा एंड UPSC की तैयारी भी वो कर ही रहे होंगे। तो ये दोनों जो बच्चे हैं, इन दोनों की डिमांड्स बिल्कुल अलग अलग हैं, दोनों की प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी भी अलग रहेगी। तो दोनों के लिए हम लोग अलग अलग कोर्स भी लेकर आए हैं। अगर हम उस बच्चे की बात करें जिसने तैयारी जस्ट अभी शुरू करी है और उसको लगता है कि जिस तैयारी मैंने अभी एक महीने पहले ही शुरू करी थी, HCS का तो 3 महीने में आ जाएगा एग्जाम, तो क्या तैयारी हो सकती है? तो आंसर इज यस। यस, थोड़ा बहुत आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी उन बाकी बच्चों से जिनकी तैयारी ऑलरेडी हो चुकी है, बट हमेशा आपको ये पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम उनके क्लियर होते हैं जो मेहनत करते हैं। और ये 3 से 4 महीने ही हैं हमारे पास जहाँ पर हम अपना पूरा पोटेंशियल लगाकर एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। तो अगर आप वो बच्चे हैं जिन्होंने तैयारी बिल्कुल भी शुरू नहीं करी है, उनके लिए है आपके ये HCS का प्रीलिम्स क्रैश कोर्स, जिसमें हरियाणा GK से लेकर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, बेसिक साइंस एंड साइंस एंड टेक एंड करंट अफेयर्स, ये 6 कॉम्पोनेंट्स हैं जो आपने तैयार करने हैं। और ये 6 कॉम्पोनेंट्स आपके इजीली तैयार हो सकते हैं अगर आप एक दिन का ब्रेक भी बीच में नहीं लेते हैं। तो मेहनत के लिए तो हम बिल्कुल रेडी रहेंगे। और ये जो कोर्स है ये रहेगा आपका ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन कोर्स। आप यहाँ पर आ भी सकते हैं, यहाँ पर आपकी लाइव क्लासेस लगेंगी, और सेम लाइव क्लास जो है अगर बच्चा नहीं आ सकता है तो उसको अपलोड कर दिया जाएगा फॉर ऑनलाइन स्टूडेंट्स। कोर्स शुरू होगा फ्रॉम 20th of November, दैट्स नेक्स्ट मंडे। तो आपको तब से ये ज्वाइन करना होगा, और स्टार्टिंग में आपको हरियाणा GK हम शुरू करवाएंगे। उसके बाद ये जो पूरा कोर्स है ना, ये आपका ये नहीं है कि मंडे टू फ्राइडे है या मंडे टू सैटरडे है, इट्स 7 डेज कोर्स। पूरा का पूरा मंडे टू संडे आपने लगाना है सो दैट आपका जो सिलेबस है वो कवर हो सके। तो मंडे टू फ्राइडे आपकी 1 सब्जेक्ट क्लास लग रही है एंड सैटरडे संडे को आपकी लॉन्ग क्लासेस हैं, जिसमें 6 to 7 hours आप हमारे साथ पढ़ेंगे, जिससे आपका जो सिलेबस है वो कवर हो पाता है 2nd या 3rd of Feb तक। तो आपके पास कम से कम 10 दिन बचेंगे जहाँ पर आप रिविजन कर सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा मेहनत की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है, और 20th of November से स्टार्टिंग फ्रॉम हरियाणा GK जो शेड्यूल है वो आपका शुरू होगा। 5 डेज आपकी अलग क्लासेस हैं और सैटरडे टू संडे आपकी अलग सब्जेक्ट की क्लासेस चलेगी। जैसे जनरली हम एग्जांपल ले लेते हैं कि आपका इकोनॉमी शुरू होगा फ्रॉम सैटरडे एंड संडे, और फिर सैटरडे संडे आपका इकोनॉमी कंटिन्यू रहेगा, देन नेक्स्ट सैटरडे संडे आपका इकोनॉमी कंटिन्यू रहेगा, और मंडे टू फ्राइडे आपका जो बेसिक कॉम्पोनेंट्स हैं वो चलते रहेंगे। तो इससे आपका सिलेबस विद इन 3 मंथ्स कवर हो जाता है, ठीक है? तो एक तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने तैयारी करनी है बिल्कुल शुरुआत से, और आपको साथ साथ हर मॉड्यूल के बाद MCQs प्रैक्टिस भी करने हैं, क्योंकि पिछले एक्सपीरियंस से हमने ये देखा है कि बच्चों को क्वेश्चन आता तो होता है बट उसका ना आंसर नहीं पता होता एग्जैक्ट, कि 4 ऑप्शन में से 2 पता है, 1 नहीं पता, तो आंसर गलत मार्क हो जाएगा। तो आपने प्रैक्टिस इस तरीके से करनी है जहां पर आपको ये पता हो कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है बिल्कुल एग्जैक्टली, ताकि चांसेस ऑफ सिलेक्शन हमारे थोड़े से बढ़ सके, ठीक है? तो MCQ प्रैक्टिस हम लोग साथ साथ करेंगे हर मॉड्यूल के साथ, और आपका सिलेबस जो है वो सारा कवर करवाया जाएगा।
क्लासेस आपकी ऑफलाइन प्लस ऑनलाइन दोनों हैं। ऑफलाइन वाली क्लास जो है आपको ऑनलाइन प्रोवाइड कर दी जाएगी अगर आप किसी भी वजह से क्लास में प्रेजेंट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। एक तो ये बिल्कुल शेड्यूल है स्टार्टिंग फ्रॉम 20th of November टू 3rd of Feb टू 4th of Feb, यहाँ तक 4th of Feb तक आपका जो पूरा सिलेबस है इंक्लूडिंग एवरी कॉम्पोनेंट ऑफ द सिलेबस विल बी कवर्ड, ठीक है। तो ये तो है कि तैयारी हो सकती है, लेकिन तैयारी के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप मेहनत के लिए रेडी हैं तो हम भी मेहनत के लिए रेडी हैं और हम पेपर को दोनों मिलकर निकालेंगे, ठीक है। तो लेकिन अब वो बच्चे जिन्होंने तैयारी तो की हुई है उनके लिए तो हरियाणा जीके पढ़ाने अब कोई मायने नहीं रखती क्योंकि उनको तो ऑलरेडी आती है। लेकिन उन बच्चों के लिए है कि आपने मैक्सिमम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, जितने एमसीक्यूज आप कर सकें उतने एमसीक्यूज बेटर हैं। तो हम उन बच्चों की बात कर रहे हैं जिन्होंने एक बार अपनी तैयारी पूरी तरीके से करी हुई है, तो अब वो क्या करें, उनको करनी है बस एमसीक्यू प्रैक्टिस। एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए क्या हमारा एक स्ट्रैटेजी रहेगी, जैसे हम बात करते हैं 20th of November की ही, जहां पर आपको मंडे टू सैटरडे आपको आएंगे हर दिन 25 MCQs, 25 MCQs, जहां पर 5 MCQ विल बी ऑफ AMC, देन 5 ऑफ वर्ल्ड जोग्राफी, देन 5 ऑफ पॉलिटी, देन 5 ऑफ बेसिक साइंस, एंड देन 5 ऑफ एनवायरमेंट। तो आपकी जो पूरे की पूरे 25 MCQs हैं ये आपको हम करवाएंगे थ्रू डिस्कशन वीडियोस, कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर ये क्यों है ये हम बता रहे हैं, सो दैट आपकी रिवीजन भी बढ़िया हो जाए। और अगर आपको लगता है कि कॉन्सेप्ट हमारा नहीं क्लियर है तो थ्रू MCQs हमारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो एक तो ये स्ट्रैटेजी है, दूसरा इसमें आपका हर संडे टेस्ट हो रहा है। जो भी आपने 5 सब्जेक्ट्स इन पूरे 6 दिनों में करे हैं और जो टॉपिक्स हम लोगों ने इनमें करे हैं वो आपकी रिवीजन के लिए हम आपको एक्स्ट्रा 100 MCQs देंगे संडे के टेस्ट के लिए, ताकि अगर आपने जो इन 6 दिनों में सीखा है उसमें भी कोई कन्फ्यूजन है, उसमें से भी MCQs कैसे बन सकते हैं, उसके लिए आपको रिवीजन के लिए हम ये टेस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो आपके हर दिन 25 MCQs एंड देन आपका हर संडे को 100 MCQs का टेस्ट होगा। तो ये ऐसे करते करते हमारा ये जो पूरे 5 सब्जेक्ट्स हैं ये चलेंगे आपके फॉर अनदर 35 डेज। उसके बाद जो बाकी बचे हुए कंपोनेंट्स हैं, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक एंड हरियाणा जीके, इनके भी सेम 5 5 MCQs आपको मिलेंगे। और अगेन इनके भी जो टॉपिक्स कवर हो चुके होंगे उनका नेक्स्ट टेस्ट होगा। तो ऐसे करते 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 हमारे 10 जो टेस्ट हैं वो तो हो चुके हैं पूरे फुल लेंथ, और 75 डेज आपके 25 MCQs आपको मिल रहे हैं, विच इज़ अराउंड 1900 MCQs, और 1000 आपके ये हो गए हैं। तो अराउंड आपके हम लोग 2nd ऑफ 3rd ऑफ फेब तक थोड़े 4000 MCQs के अराउंड जो है ये प्रैक्टिस करवा देंगे, इंक्लूडिंग अगेन फुल लेंथ टेस्ट 1 2 3 4 एंड 5। तो आपने अब करना क्या है, आपने सिर्फ और सिर्फ MCQs रोज देखने हैं, उनके डिस्कशन वीडियोस को सुनना है, एक्सप्लेनेशंस को ध्यान में रखना है, PDF निकाल कर रखेंगे सो दैट आगे जब आप रिवीजन करेंगे तो आपके पास कुछ कंटेंट हो ऐसे टिक लगाने के लिए और रिवाइज करने के लिए। और अगर आप डेली MCQs कर रहे हैं तो आपके डेली टू डेली जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी क्लियर होते जा रहे हैं। तो आपको अब अपने आप से जो सब्जेक्ट है वो कवर करना है और फिर उसके MCQs जो है वो हमारे साथ करने हैं। इससे आपका जो पूरा प्लान है जिसमें आपकी मैक्सिमम रिवीजन, आपके वो कंपोनेंट्स जो वीक हैं वो भी आप इम्प्रूव कर पाएंगे, और जो टेस्ट देने की जो फील है कि हाँ 100 क्वेश्चंस का टेस्ट है मुझे 2 घंटे में ही देना है, वो आप अराउंड 10 वीक्स ये और 5 ये फुल लेंथ टेस्ट आराम से जो है आपका जो पूरा कंपोनेंट है वो कवर हो सकता है। और पूरी एक शिद्दत से हम लोग जो है पेपर में जाएंगे, बिकॉज वी हैव प्रैक्टिस्ड इनफ MCQs सो दैट कि कोई भी क्वेश्चन ना ऐसा ना हो कि ये पढ़ा हुआ है बट आता नहीं है। वो चीज़ हम एक्सेप्ट कर सकते हैं कि क्वेश्चन आता ही नहीं है, वो फिर किसी को भी नहीं आता होगा, लेकिन जो बाकियों को आता है और आपको नहीं आता और वो आपको एग्जैक्टली उसका आंसर नहीं पता, तो वो कहीं ना कहीं चीज़ जो है आपको कट ऑफ से नीचे ले आएगी। तो दोनों बच्चे जिन्होंने तैयारी बिल्कुल शुरू करनी है उनके लिए भी सेम सारी चीज़ें रहेंगी, कि आपको हम पहले सिलेबस करवाएंगे उसके बाद आपको हम MCQs भी करवाएंगे,
और एमसीक्यूज वाले बच्चे जिन्होंने तैयारी की हुई है एक बार, उनको बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है, जिससे कि एक पूरा कंपोनेंट आपका कवर हो पाता है। तो ये बेसिक डिटेल्स हैं आपके कोर्स की, जिसमें आपको अगर लगता है कि आपको ये तैयारी करनी है, आपको लगता है कि सिविल से जुड़ना है, तो वी आर हेयर फॉर यू। हम सारे मिलकर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और थोड़ा सा हम अपनी प्रिपरेशन को एक डायरेक्शन दे देंगे थ्रू दीज स्ट्रैटेजीज। तो आई विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।